एवरीवन, मैं हूं आपके साथ इति और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन। और आज मेरे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, जो डायरेक्टर हैं, जिनका नाम है दानिश रेंजू। तो सबसे पहले दानिश जी का स्वागत करते हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन पर। वेलकम टू एनबीटी दानिश। हाय, थैंक यू सो मच। सो दानिश, दिस इज द फर्स्ट टाइम आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, तो सबसे पहले ये बताइए हाउ मच यू आर एक्साइटेड फॉर एनबीटी हमारे प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। सबसे पहले ये जानना चाहूंगी। I'm super excited. I mean, thank you so much for having me. It's just a pleasure to, you know, talk about my film here. It's my first time, so hopefully, you know, we'll meet again and again in the future. जी, okay. So Danish, अब सबसे पहले बात करेंगे the illegal के बारे में। फिल्म क्या कुछ है, उन लोगों को बताइए जिन्हें नहीं पता है, उन दर्शकों को बताइए कि जिन्हें आप बताएंगे तो शायद उसके बाद यू नो और ज्यादा बस क्रिएट हो और लोग देखें और लोग जाएं देखने के लिए। क्या कुछ कहेंगे इलीगल को लेकर? हाँ, द फिल्म इज अबाउट एक इंडियन इमिग्रेंट फ्रॉम दिल्ली जो यूएस जाता है टू बिकम अ फिल्म मेकर, और इट्स अबाउट हिज जर्नी इन अमेरिका, लिविंग द अमेरिकन ड्रीम, और द ऑब्स्टिकल्स एंड प्रॉब्लम्स दैट अराइज ऑन हिज वे, एंड how he has to sort of almost find courage to not give up his dreams and aspirations for filmmaker. So, कोई भी student इस film से relate हो सकता है, उनकी journey, obstacles अपने सपने पूरे करने के लिए, and also वो हार ना मानने वाली, you know, sort of having that in you and having courage कि to face all that. That's what the film is about. ये तो हुई फिल्म की बात। अब ये बताइए कि जब आप किसी स्टार कास्ट को कास्ट करते हैं तो सबसे पहले कौन सी क्वालिटीज देखते हैं और क्या कुछ देखते हैं कास्टिंग से पहले? हमेशा कैरेक्टर, मतलब इट ऑफ कोर्स हैज टू बी अ ग्रेट एक्टर, बट आल्सो हैज टू रिलेट टू द कैरेक्टर, द बायोग्राफी, द एज, एवरीथिंग हैज टू वर्क आउट। सो इस फिल्म में सूरज शर्मा ऑलवेज वाज द फर्स्ट चॉइस फॉर अस बिकॉज़ ही इज आल्सो दिल्ली बेस्ड, ही इज आल्सो इन अमेरिका एज अ स्टूडेंट, ही वाज आल्सो स्टडी फिल्म स्कूल, फिल्म पढ़ रहा था दैट टाइम जो हमने उसको रीच आउट किया था। तो इट जस्ट ऑल वर्क्ड आउट, इट वाज जस्ट टेलर मेड फॉर सूरज। सो व्हेन वी सेंड हिम द स्क्रिप्ट, ही राइट अवे सेड यस बिकॉज़ वो भी राइट अवे रिलेट कर पाए पूरी स्क्रिप्ट को, यू नो, हमारी कहानी को, एंड हिमसेल्फ लिविंग दैट एक्सपीरियंस। आई थिंक इट्स जस्ट या द रेलेवेंसी एंड रिलेटेबिलिटी दैट गोज। तो इस फिल्म में बहुत सारे कास्ट हैं, नीलिमा जी हैं, श्वेता त्रिपाठी हैं और आदिल हुसैन, इनके अलावा भी बहुत सारे स्टार कास्ट हैं। तो किसने सबसे ज्यादा आपको परेशान किया शूटिंग के दौरान? किसी ने भी नहीं, दे आर सो अमेजिंग पीपल। इन फैक्ट, यू नो, आई मेट आदिल जी, नीलिमा जी एंड श्वेता फिल्म फेस्टिवल में मिला मैं उनको अमेरिका में, अपनी फिल्म दूसरी फिल्म के साथ में यू नो फेस्टिवल अटेंड कर रहा था, एंड आई मेट देम। तो मैंने श्वेता को बोला था कि आई विल राइट अ रोल फॉर यू फॉर माय नेक्स्ट फिल्म, शी लाइक शो। सेम विद आदिल जी, सेम विद नीलिमा जी, एंड दे ऑल दिल्ली बेस्ड, एंड माय फिल्म इज बेस्ड इन अमेरिका एंड दिल्ली, एंड वी हसन जो मेरा कैरेक्टर है, जो सूरज प्ले कर रहा है लीड कैरेक्टर, उसकी पूरी फैमिली दिल्ली बेस्ड फैमिली। तो ये पूरा एक राइट अवे, यू नो, इट वाज सो वी हैड टू मेंट टू बी काइंड ऑफ सिचुएशन। या ओके, सो शूटिंग कहाँ कहाँ हुई है, कौन कौन से वो शानदार लोकेशन है जहाँ पर आपने शूटिंग की है? शूटिंग दिल्ली में दरियागंज में हुई है, जो कि बहुत जुलाई में हुई है, बहुत ही गर्मी थी। मेरा क्रू अमेरिका से आया था, वो तो मतलब उन्हें ऐसी कभी गर्मी देखी भी नहीं थी, बट वी हैड सो मच फन बिकॉज द स्ट्रीट्स आर सो ब्यूटीफुल, सो कैरेक्टर ड्रिवन। We shot in Delhi and we also shot in America in LA, Los Angeles. So, our major shoot hui hai. Aur humne film school, University of Southern California, mein bhi shoot kiya. Humne American Film Institute mein bhi shoot kiya hai. We also shot in. We created this old restaurant ko naya restaurant bana diya. Puri film hamari major film hamari film Indian restaurant ek America mein usme set hai. To wo pura set apne banaya tha, lekin grill restaurant jo purana tha, usko phir se set bana ke humne restaurant banaya. So it was real location in LA. और उसकी वजह से फिल्म में काफी ऑथेंटिसिटी आ रही है। ओके ओके, तो अब क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, किस डेट पर रिलीज हो रही है, स्ट्रीमिंग शुरू हो रही है, और एक्सपेक्टेशंस क्या कुछ है, कितना क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं? हाँ, मतलब हम इस फिल्म के साथ बहुत बहुत बड़ी जर्नी, हमारी लॉन्ग जर्नी रही है। वी हम फेस्टिवल्स में 2019 में थे, बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, कोविड की वजह से पूरा, मतलब यू नो व्हाट हैपेंड, फिल्म स्टॉप्ड एंड एवरीथिंग, वी डोंट नो अब आगे क्या होगा। तो अभी राइट नाउ सुपर एक्साइटेड बिकॉज मार्च 23 को अमेजोन प्राइम वीडियो पे एक्सक्लूसिवली इंडिया में रिलीज हो रही है, एंड आई एम सुपर थ्रिल्ड बिकॉज आई वांट टू सी इंडियन ऑडियंस का रिएक्शन विद दिस फिल्म। एंड ऑल्सो मतलब इंडिया में लास्ट टाइम मामी में दिखाई थी, जहाँ पे वी ऑल्सो वॉन एन अवार्ड,
वहाँ भी बहुत अच्छा फीडबैक था, स्टूडेंट्स एवरीवन वी एबल टू कनेक्ट टू द फिल्म राइट अवे, तो काफी एक्साइटेड है बिकॉज़ वी गॉट सच अ ग्रेट प्लेटफॉर्म एंड इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द फिल्म फाइनली टू कम आउट टू एन ऑडियंस एट द राइट टाइमिंग पे भी आ रही है। और दानिश जैसे कि आप डायरेक्टर हैं और फेमस डायरेक्टर हैं, तो ऐसे में आपसे मैं जानना चाहूंगी कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं आपके, किन किन स्क्रिप्ट्स पे आप काम कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें तो। ज्यादा तो मैं नहीं पूछूंगी क्योंकि आप बताएंगे भी नहीं, तो थोड़ा सा आप। अभी देखो कुछ कंफर्म तो है नहीं, बट यस मैं 2-3 स्क्रिप्ट में काम कर रहा हूँ, तो होपफुली एक विद इन अ मंथ और सो वी विल डेफिनेटली अनाउंस दैट। तो राइट नाउ कुछ है नहीं बताने के लिए बिकॉज अभी स्क्रिप्ट पे ही काम हो रहा है। नहीं पर 2-3 स्क्रिप्ट्स हैं एंड वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, सो होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड यू नो एज सून एज ये रिलीज हमारा हो जाएगा 23rd को उसके बारे में हम काम शुरू करेंगे। तो ये बताइए कि जब भी आप कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं, जब भी आप यू नो किसी वर्क पे अपने प्रोजेक्ट पे लगते हैं, तो कितना खुद को कितना अकेला आइसोलेट कर लेते हैं, या किस तरीके से, या कितना कितने लोगों की यू नो मदद लेते हैं, कैसे करते हैं? क्योंकि जब हम इंटरव्यू करते हैं ना, तो मैं चाहती हूँ कि डायरेक्टर्स खुलकर बताएं कि कैसे वो स्क्रिप्टिंग करते हैं, कैसे लिखते हैं, क्या है, कैसे क्या कुछ उनका पूरा होता है करने का तरीका। जी जी एब्सोल्युटली, आई मीन मेरा हमेशा स्टोरी समहाउ व्हेन आई स्टार्ट समथिंग राइटिंग समथिंग इट हैज टू कनेक्ट टू मी पर्सनली। तो फॉर एग्जांपल इलीगल में ऑफ कोर्स आई आल्सो वेंट टू यूएस एज अ स्टूडेंट एंड आई वांटेड टू परस्यू माय ड्रीम्स एंड आई विल लिव द लाइफ ऑफ एन अमेरिकन इमिग्रेंट स्टूडेंट। तो वहां से तो इंस्पिरेशन डेफिनेटली आती है। मेरा प्रोसेस हमेशा पहले पूरा स्टोरी में रहता है, फोकस बिगिनिंग मिडिल एंड का एक्ट स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्मेट में हमेशा फॉलो करता हूँ एक स्क्रिप्ट के लिए। एंड देन उसके बाद आई सेंड इट टू लॉट ऑफ पीपल आई बिलीव इन फॉर फीडबैक, उनका फीडबैक लेने के लिए। आई गेट लॉट ऑफ फीडबैक फ्रॉम पीपल एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसके बगैर यू डोंट नो इफ यू गोइंग द राइट डायरेक्शन। पीपल शुड बी एबल टू कनेक्ट टू इट, इवन स्क्रिप्ट लेवल। स्क्रिप्ट इज एवरीथिंग एक्चुअली, स्क्रिप्ट इज द किंग ऑफ फिल्म मेकिंग। आई मीन स्क्रिप्ट अच्छी हो तो आपका सब कुछ आगे अच्छा ही होगा। So I spend, I get a lot of feedback from a lot of people and I do have one more co-writer I work with, Sunaina. She's based in Boston, so wo bhi kaafi process mein, she gets also a lot of involvement in the whole journey and gives me her notes, gives me her feedback. So it's a collaborative process at the end. And at the end, your final script bhi, even during shoot, script change ho rahi hoti hai. So ye toh unending journey, edit mein bhi script change hoti hai. So it's like one of those journeys jo hamesha इस पे काम करते हैं, स्क्रिप्ट पे कभी परफेक्ट नहीं होता। सो दानिश अब एक और सवाल था मेरा आपसे, जो OTT प्लेटफॉर्म है ये बेसिकली एक्टर्स के लिए नहीं कंटेंट के लिए ज्यादा जाना चाहता है। कहा जाता है कि OTT प्लेटफॉर्म में कंटेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और एक्टर्स तो यू नो आज तो कितने सारे यंग एक्टर्स हैं जिन्हें कोविड के दौरान बहुत ज्यादा मौके मिले हैं, जिन्हें पहले नहीं मिलते थे सिनेमाज में, थिएटर्स में मौके नहीं मिलते थे। ऐसे में उन एक्टर्स को किस तरीके से OTT प्लेटफॉर्म ने ग्रोथ दिया है, आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? I mean, it's amazing. I mean, of course, no offense, theaters are amazing for a film also. That's not important OTT bhi hai because a wider audience hai, agar apne comfort se audience apne ghar pe film dekh sakte hai, jab marzi dekh sakte hai, apni selection ki film dekh sakte hai, apni type ki film dekh sakte hai. So it's a great opportunity for all the filmmakers to finally have their work out there on these platforms. And I think it's just doing great for everyone. Har tarike se, it's a very exciting time right now with platforms and how the films are coming out. Yes. लोगों से जितने भी लोग व्यूअर्स है उनसे कनेक्ट करते हैं, कंटेंट को लेकर आपकी क्या राय है, किस तरह के कंटेंट? अब ऑडियंस हमारा बदल चुका है, यस ऑडियंस हैज चेंज्ड नाउ, आप देना चाहते हैं? जी जी बताइए। Absolutely, people have to connect to the stories they watch. They have to relate to the characters. Aajkal to audience bahut smart hai. You know, they itna kuch wahan pe aapko dekhne ke liye hai. They're very picky what to watch, what not to watch. So I think aajkal stars and all that doesn't matter. Story really matters. Script really matters. And topics that people can relate to. They have to be part of these journeys. So content ka aajkal, matlab aajkal you cannot just put anything out there. Storytelling and scripts are very, very important. Audience have become really smart and they have so many options to choose from. So it's more competitive now. So we have to really work hard on whatever we do to make sure that people are
not only enjoy it and enjoy the experience of the film, but also relate to it. तो relatability का बहुत important है आजकल. जी दानिश जी, एक चीज और थी यहाँ पर. सिनेमा में वापस से फिल्में आनी शुरू हो गई हैं, लगने लगी हैं. रूही अभी लगी थी, रूही का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी सही जा रहा है, मतलब जो उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा अच्छा जा रहा है, एक जो कहा जा रहा था. ऊपर से लोग भी जा रहे हैं देखने, फिल्म को पसंद कर रहे हैं, क्रिटिक्स भी सही सही रेटिंग दे रहे हैं. ऐसे में अब सलमान खान पर भी एक प्रेशर था राधे का, और उनको कई लोगों ने अप्रोच किया, यू नो एग्जीबिटर्स ने और जितने भी लोग होते हैं उसमें, सबने बोला कि नहीं आप अपनी राधे लाइए, रिलीज करवाइए, वरना उसके बाद यू नो उसके बाद ही दर्शक पहुंच पाएंगे सिनेमा में, वरना दर्शक पहुंचेंगे नहीं, जाएंगे नहीं देखने, फिर सिनेमा ठप हो जाएगा. फाइनली राधे भी रिलीज हो रही है. ऐसे में क्या लगता है सिनेमा की एक बार वापस से वापसी हो रही है, ऐसे में क्या कोई टक्कर टाइप ही होने वाली है सिनेमा वर्सेस ओटीटी में, कुछ ऐसा लगता है? आई डोंट थिंक सो. सिनेमा का उतना इंपॉर्टेंट है फर्स्ट फिल्म जितना ओटीटी का भी है. आई मीन यू नो फिल्म has to have an audience and it could go in theaters, which is an amazing experience. It can also be an OTT platform which people can watch from their homes and, you know, at their own comfort and their choice and timing. So I think they both are equally important platforms for a film to come out. It all depends on, you know, what your choice is. Do you want to go to theater? Do you want to watch in your house? You know, so it's exciting times. I'm so happy that theaters are opening now, films are going out. It's exciting times. Things are going to be back to normal soon. जी दानिश. सो दानिश, अब जाने से पहले अब एक आखिरी सवाल आपसे ये था मेरा कि अपने ढेर सारे फैंस से और यू नो इलीगल की टीम जो है और उनके जो स्टार्स हैं, उनके जो फैंस हैं, उनके फैंस से, अपने व्यूअर्स से, अपने फैंस से, हमारे एनडीटी के व्यूअर्स से क्या कुछ कहना चाहेंगे? और यू नो फिल्म आ रही है, प्यार मिल रहा है लोगों का, और कितनी दिल की धड़कने तेज हो चुकी हैं, क्या कुछ कहेंगे? It's been बहुत मतलब it's been quite an experience इस फिल्म को together करने का, release करने का. Festivals में एक दो साल गई, काफी अच्छे reviews आए. तो we're so excited March 23rd को release हो रही है Amazon Prime exclusively India पे, and we just want everyone to watch it, appreciate it, send your comments, your feedback, और बताइए वो कैसी पसंद आई, अपने reviews डालिए. We're very excited because finally film को अपना एक audience मिलेगा, and we're very proud of the film. Lot of hard work, you know, it's a collaborative effort. Our team has put really like years and years of hard work. So it's very exciting times. I'm very excited, and I hope audience loves it, you know, and gives it a lot of love, just the way we did. We gave the film all our time and our hard work for years. It's a काफी exciting time. सो दानिश, हमारी पूरी टीम की ओर से एनबीटी की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है. फिल्म आए और दर्शकों के दिलों पर राज करे, फिल्म हिट हो और लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आए, आपको अच्छे अच्छे व्यूज मिले, और उसके बाद हम फिर से इंटरेक्ट करेंगे आपके किसी अगले प्रोजेक्ट पर, जरूर करेंगे. जी दानिश, थैंक यू सो मच. थैंक यू.